देवश्री। अरे आप सब यहाँ, भोलेनाथ कहाँ है? देवर्षि, आप तो देवादि देव महादेव की दशा हमसे देखी नहीं जाती, वो इस कंदरा में समाधि में लीन है। देवर्षि, हम संकट में हैं। देवर्षि, तारकासुर ने देवलोक पर आक्रमण कर वहां अपना अधिकार कर लिया है, इसी कारणवश हमें वहां से पलायन करना पड़ा। जब तक देवादिदेव महादेव अपनी समाधि से बाहर नहीं आ जाते, हम इसी तरह भटकते रहेंगे। देवर्षि, फिर तो मैं यहाँ उचित समय पर आ गया। माते, 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 प्रणाम माते। वीरभद्र, ये पर्वतराज हिमाचल की पुत्री पार्वती है, ये भगवान शिव के दर्शन करने को आई है, और सच पूछो तो आप सब की आशाओं का एकमात्र केंद्र पुत्री पार्वती ही है। देवर्षि, कहाँ है मेरे देवादिदेव महादेव? मेरे प्रभु इस कंदरा में विराजमान है माते। जाओ पुत्री, भगवान शिव के दर्शन कर लो, मंगलकारी शिव को पुनः मंगलकारी होना है। मानव हो या देव, सबकी आस आशुतोष भगवान शंकर पर ही टिकी है। यदि उनकी समाधि शीघ्र ही न टूटी तो सारे संसार में असुरों का साम्राज्य हो जाएगा। देवर्षि, मैं जाती हूँ भगवान शिव से मिलने। शक्ति गई है शिव की समाधि को भंग करने, देखें क्या होता है। अब माता आ गई है, अब हमें कोई चिंता नहीं है। अब माता हमारे भगवान शिव का ध्यान रखेंगे और हम सब मिलकर माता का ध्यान रखेंगे। नारायण नारायण। आप हट कर रही हैं कि आपको अपने पिताश्री के घर जाना है।
मैं तो आपसे अभी यही कह रहा हूँ देवी कि आप आना चाहे। आज सती अपने पति के सम्मान के लिए अपने प्राणों की आहुति देगी। हे स्वामी, आपने ये क्या दशा बना रखी है? ये मेरे ही कारण हुआ और मुझे आपसे क्षमा मांगने का अवसर भी प्राप्त नहीं हुआ। जागिए हे महादेव, जागिए, मुझे क्षमा प्रदान कीजिए। हे स्वामी, वर्षों के इस विरह को समाप्त कीजिए, इस कड़ी को तोड़िए। आप तो कहते थे मैं आपकी शक्ति हूं, फिर एक छोटी सी भूल के लिए आपने अपनी शक्ति को इतने वर्षों के लिए अपने आप से कैसे दूर कर दिया स्वामी? मुझे तो ऐसे प्रतीत होता है जैसे आपसे बिछड़े हुए शताब्दियां बीत गई हैं। जागिए है शंभु, दृष्टि खोलिए, प्रभु आपको ये समाधि तोड़नी होगी। दृष्टि खोलिए स्वामी, प्रभु, प्रभु। मैं भी देखती हूँ आप कैसे नहीं जागते, मेरी करुण पुकार कैसे नहीं सुनते, मेरी वेदना, मेरी आस्था, मेरा सारा अस्तित्व तो मिलकर आपको अपनी समाधि भंग करने पर विवश कर देंगे। कठिन तपस्या से कठोर पत्थर को भी पिघलाया जा सकता है। आप तो मेरे आराध्य हैं, जन्म जन्मांतर के मेरे स्वामी हैं, मेरे सर्वस्व हैं। Thank you.
स्वामी, मैं ये भली भांति जानती हूं। हे देवाधिदेव, मेरी सुध-बुध लौटाने वाले अपने स्पर्श से मेरे मन की सारी पीड़ा दूर करने वाले वो दो हाथ आप ही के थे जिन्होंने स्तन को छुआ। वो भावना आपकी थी जिसने मेरे मन को छुआ। मेरे अंदर एक ध्वनि से गूंज रही है कि आपने मुझे क्षमा कर दिया। फिर अभी एक ऐसी समाधि, प्रभु बताइए, प्रभु अभी एक ऐसी समाधि, प्रभु प्रभु। देवाधिदेव, आप समाधि से बाहर आ गए। क्षमा करें देवी, कौन है आप? देवी, भोलेनाथ महादेव के दर्शन हुए? हाँ देवर्षि, किंतु देवर्षि, देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव ने मुझे पहचाना ही नहीं। अर्थात भोलेनाथ शिव ने अपने नेत्र खोले किंतु उनकी समाधि नहीं टूटी। देवर्षि, मेरे आक्रोश ने जब मुझे थका कर बेसुध कर दिया तब मैंने भगवान शिव के स्पर्श का अनुभव किया था। वे शिव ही थे, वे मेरे आराध्य भगवान शिव के ही कर कमल थे। नारायण नारायण। देवी, भोलेनाथ जितने समाधि में होते हैं उतने ही समाधि के बाहर होते हैं। आपने कुछ कहा नहीं उनसे? कहा, बहुत कुछ कहा। मेरे प्रयास पर मेरे आराध्य ने नेत्र भी खोले, मेरी ओर देखा भी, फिर ये कहकर नेत्र मूंद लिए कि देवी आप कौन हैं? देवर्षि, इस वाक्य को सुनकर मेरे हृदय को आघात लगा। हे देवी, आप तो जानती हैं कि महायोगी शिव एक पत्नी व्रत धारण किए हुए हैं। सती के देह त्याग के पश्चात उनके जीवन में किसी अन्य नारी का कोई स्थान ही नहीं है, तो फिर आपको पहचानने का प्रश्न ही कहां उठता है? ये आप क्या कह रहे हैं देवर्षि? आप ही मुझे यहां लेकर आए और आप ही कह रहे हैं कि मैं अन्य हूं? नहीं देवी, आपने मेरे कथन का अभिप्राय नहीं समझा। तो आपके कथन का क्या अभिप्राय है, मुझे समझाइए देवर्षि। देवी, यहां जो कुछ भी हो रहा है भगवती परमेश्वरी की इच्छा से ही हो रहा है। उन्होंने अपनी ही इच्छा से गौरी और पार्वती को दो जन्मों में दो भाग में बांट दिया। दक्ष की पुत्री गौरी का भाग समाप्त हो चुका है और अब जो भाग आरंभ हुआ है वो है पर्वतराज की पुत्री पार्वती का। देवी, आपको अपने तप से, अपनी भक्ति से, अपनी लगन से, अपने समूचे व्यक्तित्व से शिव के समक्ष सिद्ध करना होगा कि यदि वे आपको स्वीकार कर भी लेते हैं तो भी उनका एक पत्नी व्रत नहीं टूटेगा। देवी, भगवान शिव समूचे संसार के सामने एक आदर्श है और आदर्श अपने भीतर सारी क्षमताओं के होते हुए भी अपनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकता। तो फिर देवर्षि,
आप ही बताइए मैं क्या करूं। हे देवी, आपको अपने आदर्श को विवश करना है, इतना विवश करना है कि वो अपनी सारी सीमाओं का उल्लंघन करके आपके समक्ष आकर खड़ा हो जाए। देवी, आप जगदम्बा स्वरूपा हैं, स्वयं शक्ति हैं। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप और कितने दिन शिव से दूर रहना चाहती हैं। तो ठीक है देवर्षि, अब यही होगा। या तो मेरे प्राण आएंगे या जाएंगे। प्रणाम आदि प्रजापति। कल्याणमस्तु। आइए देवराज, सारे देवतागण एक साथ। आप लोगों की यह दशा देखकर मुझे दुख हो रहा है देवराज। किंतु आदि प्रजापति, तारकासुर को वरदान भी तो आप ही ने दिया था ना। आप उसे वरदान देते ना हम लोग की यह दुर्दशा होती। तो आपकी दृष्टि में यह सारा दोष मेरा ही है देवराज। भाग्य की रचना के अनुसार गौरी हिमाचल पुत्री पार्वती के रूप में जन्म ले चुकी है और इस समय तो वो भगवान शिव तक पहुंच भी चुकी हैं। सब कुछ प्रारब्ध के अनुसार हो रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि प्रारब्ध के लेख को अधूरा नहीं, पूरा पढ़ने का प्रयास कीजिए। प्रयास तो हम कर लेंगे ब्रह्मदेव, किंतु यदि स्वयं देवी पार्वती अपने प्रयास में सफल नहीं हुई तो। हे प्रजापति, यदि देवी पार्वती अपनी तपस्या में विफल हो गई तो। देवराज, क्या आप भूल गए कि आपके पास एक ऐसा योद्धा है जो वैरागी को भी अनुरागी बना सकता है, जो तपती सूर्य की किरणों को चंद्र किरणों में बदल सकता है, जो शांत झील को प्रलयकारी महासागर में बदल सकता है। हे आदि प्रजापति, मैं आपका तात्पर्य समझ गया। अवश्य आपका संकेत मदन देव अर्थात कामदेव की ओर है। अब आपको कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। देवी पार्वती अपना कार्य कर रही हैं, हम सभी देवता अपना कार्य करेंगे। अब हमें आज्ञा दीजिए ब्रह्मदेव। हे माता, क्या आप भी देवाधिदेव महादेव की भांति हमारा त्याग करने जा रहे हैं? कहिए माता। तुमने तो माता पुत्र का संबंध जोड़ लिया पुत्र, किंतु तुम्हारे देवाधिदेव ने, मेरे आराध्य भोले शंकर ने मुझे स्वीकार नहीं किया। वे मुझे स्वीकार करें इसके लिए मैं अंतिम प्रयास करने जा रही हूं। मैं वहीं सामने बैठकर तप करूंगी, अपने आराध्य का नाम लूंगी, ओम नमः शिवाय का जाप करती रहूंगी। किंतु माते, अब तो यहाँ हिम की वर्षा आरंभ होने वाली है। नहीं पुत्र, निष्ठा एवं सत्य किसी भी परीक्षा की गंभीरता को नहीं देखते। मैं तो केवल इतना मानती हूँ कि मेरे आराध्य देव के नाम का जाप हिम की वर्षा को जब तक पुष्प वृष्टि में नहीं बदल देता, मैं वहीं निरंतर बैठी रहूंगी। पुत्र, क्या मैं अपेक्षा करूं कि कोई भी मेरी समाधि को भंग नहीं कर पाएगा? माता जी, आपका अपने पुत्र को आदेश है। यदि इस समय विकराल काल भी आपकी तपस्या भंग करने आया तो मैं उसका भी मान मर्दन कर दूंगा। अब तो आपकी इच्छा के बिना मेरे देवाधिदेव महादेव के अतिरिक्त आपके पास कोई नहीं आ सकता। ये आपको आपके पुत्र वीरभद्र का वचन है माता।
हे वरुण देव, क्या कारण हो सकता है? कामदेव अब तक नहीं पधारे, वो किसी भी क्षण आते होंगे, उन्हें सूचना दे दी गई है। कामदेव उपस्थित है देवराज इंद्र। कामदेव अपनी समस्त सेना के साथ उपस्थित है देवराज। आइए आइए कामदेव, आपका स्वागत है। आइए आइए कामदेव, वरुण लोक में आपका स्वागत है। आज्ञा दीजिए देवराज। बहुत दिनों से मैं तथा मेरी सेना दोनों ही निष्क्रिय बैठे हुए हैं। आज आपने जैसे ही मुझे बुलवाया तो मेरे मन में एक नई शक्ति का संचार हो गया। आदेश दीजिए देवराज, किस वन को उपवन बनाना है, किस हठी ऋषि की समाधि भंग करनी है, किसका तप आपकी शक्तियों को चुनौती दे रहा है, बताइए देवराज बताइए। इस बार मेरे बाणों के लक्ष्य पर कौन है बताइए देवराज, कौन है मेरे लक्ष्य पर? देवाधिदेव महादेव। क्या? हाँ कामदेव, देवाधिदेव महादेव। देवाधिदेव महादेव, जो सारे संसार की शक्तियों की संगम है, जहां सारी इच्छाओं की पूर्ति अपने आप हो जाती है, जिनकी दृष्टि के एक संकेत में असंख्य काम है, उन निष्काम क्षयों पर लक्ष्य आप चाहते हैं कि मैं उन पर अपना बाण चलाऊं? नहीं देवराज नहीं, मेरे साहस और धैर्य की परीक्षा मत लीजिए। देखिए कामदेव, ये हम सभी देवताओं की अस्मिता और गौरव का प्रश्न है। हम कब तक इसी प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहेंगे? किंतु देवराज, हम देवताओं की पराजय का कारण तो असुर सम्राट तारकासुर है। हाँ कामदेव, जब तक भगवान भोलेनाथ के संतान नहीं होती, हमारा संकट नहीं कहेंगे। और उधर जगदम्बा पार्वती भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए हिमालय में घोर तप कर रही हैं, फिर भी भगवान भोलेनाथ उनकी ओर आकर्षित नहीं हो रहे। उनकी समाधि भंग करने के लिए मेरे पास एकमात्र अस्त्र है, और वो आप हैं कामदेव, केवल आप। किंतु देवराज। कामदेव, ये हमारा आदेश है, और यदि आपने हमारे आदेश का पालन नहीं किया तो आपको हम सभी देवताओं की ओर से ऐसा दंड दिया जाएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। नहीं देवराज, इसकी आवश्यकता नहीं। कहते हैं स्त्री का चरित्र और पुरुष का भाग्य उसकी रचना करने वाला भी समझ नहीं पाया, तो मेरे भाग्य में क्या लिखा है ये मैं कैसे जान सकता हूं? और फिर मुझे अपने समस्त देव समुदाय के लिए कुछ करने का अवसर प्रथम बार मिल रहा है, इसे मैं अपना सौभाग्य समझकर स्वीकार करता हूं। आज्ञा दीजिए देवराज। स्वामी, हम क्या और हमारी क्षमता क्या जिनका सूर्य की आंखों में पड़कर उसे चौंकाने की बात सोच रहा है, मिट्टी का ढेला सागर को बांधने की बात सोच रहा है? स्वामी, संहार करता शिव सारे लोगों के ईश्वर हैं, और आप जाएंगे उन पर अपने बाण का प्रयोग करने? हाँ देवी रती, मैं वचनबद्ध हूँ, क्योंकि यह कार्य मेरे द्वारा ही संभव है। यह मेरे पूरे समुदाय के भविष्य का प्रश्न है। मेरा भविष्य?
और स्वयं आपका भविष्य? लोक कल्याण के समक्ष ये अर्थहीन है देवी। मैं जा रहा हूँ देवी, मैं जा रहा हूँ। नहीं प्राणनाथ, ऐसा मत कीजिए। मेरी दाई आँख फड़क रही है, मुझे मुझे अपशकुन दिखाई दे रहा है। मेरी विनती को मान लीजिए। कैलाश पति की समाधि कैलाश जैसी ही अटल और अचल होती है। मुझ पर कृपा कीजिए स्वामी, मुझ पर कृपा कीजिए। नहीं देवी नहीं, आप अभी से इतनी चिंतित क्यों हैं? देवी, यदि देवताओं का ये कार्य संपन्न हो गया तो सोचिए इसका पूर्ण श्रेय हमें ही मिलेगा। और देवी, मैं तो अपना कार्य करने जा रहा हूँ। आदि प्रजापति श्री ब्रह्मा जी ने जिस कार्य के लिए मेरी रचना की है वही तो कार्य करने जा रहा हूँ। देवी रति विदा। स्वामी, ऋतुराज अपना कार्य आरंभ करो। ऐसा मत कहो, तुम मेरी सेना का मुख्य अंग हो और कामदेव की सेना उस हर व्यक्ति पर अपना प्रभाव डालती है जिसके पास लेश मात्र भी
पुरुष शेष है और ये तो साक्षात शिव है। क्षमा करें मदन देव, हम इनके समक्ष असमर्थ हैं। तुम असमर्थ हो सकते हो किंतु मैं असमर्थ नहीं हूँ। देखता हूँ देवाधिदेव महादेव पर मेरा प्रयोग कैसे सफल नहीं होता। तू कोमल है इसलिए कि तू काम का बाण है। तू अति सुगंधित है, तेरी शक्तियां असीमित हैं। तू योगियों के योग से भी अधिक शक्तिशाली है, तपस्वियों के तप से भी अधिक धार। तेरा प्रहार सर्वश्रेष्ठ संसार की किसी सुंदर युवती के नेत्र के प्रहार जैसा है। जा मेरे बाण, तुझे मानव कल्याण करना है। तुझे समाधि में डूबे भगवान शिव को फिर से अनुरागी बनाना है। जा मेरे बाण, जा। ये कैसा भाव परिवर्तन है? किसी नारी के प्रति एक देवी के मन में कैसा आकर्षण है? ये किसका षड्यंत्र है? कौन है जिसने साक्षात काल को छूते हुए से जगाया? किसने मेरी समाधि भंग करने का दुस्साहस किया है? आज दिशाएं कांपेंगी, धरती आकाश पाताल थरथराएंगे। तुम हो जिसने मेरे अस्त्र को टिकाया है। कामदेव, फूलों के पांच से मन को फेरने वाले छलिया, वास्ता के साधूत, साधना के शत्रु, दुर्बल साधुओं की साधना भंग करते करते तेरा दुष्ट अंशता बढ़ गया कि तूने मुझे अपना लक्ष्य बना डाला। जिसके सारे तंत्र शमशान की भस्म है, शिव जिस स्थल पर साधना करता है वह जीवन की रेखा समाप्त होती है और पृथ्वी के द्वार खुल जाते हैं, जहां पंचतत्वों पंचतत्वों में लीन हो जाते हैं। कामदेव, क्षमा क्षमा भगवान, तुम्हारा अपराध क्षम्य है। कामदेव, अपनी प्रिय शक्ति के वियोग में मैंने किस कठिनाई से समाधि लगाई थी और तुमने उसे भंग कर दिया, और अब कहते हो कि मैं तुम्हें क्षमा कर दूं? अभी कुछ समय पहले ही समाधि उठा, कितना शांत था। तुमने मेरी समाधि को भंग किया, मुझे शांत किया। जी तो चाहता है कि ऐसा प्रलयकारी ताना करूं कि तुम्हारी भस्म हो जाए, किंतु केवल एक व्यक्ति के दुस्साहस के कारण मैं सारी सृष्टि को नष्ट नहीं कर सकता। कामदेव, तुम्हें जल्द अवश्य मिलेगा। नहीं भगवान, नहीं, क्षमा महादेव, क्षमा। नहीं कामदेव, तुम्हारी मृत्यु अवश्य भावी है। देवती देव महादेव, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। नहीं कामदेव, शराब पी नहीं। Get it! Get it! Ah! Ah!
अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया देवराज, अनर्थ हो गया। क्या हुआ ऋतुराज? हमारे अधिष्ठता आपके कामदेव को भगवान शिव ने जलाकर भस्म कर दिया। क्या? हाँ देवराज, हाँ। तो इसका अर्थ यह हुआ कि कामदेव अपना बाण उन पर चला भी नहीं पाए? नहीं वरुण देव, ऐसा नहीं है। बाण तो चला और वो लक्ष्य तक पहुंचा भी, किंतु तभी तभी भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुल गया और उन्होंने क्रोध में आकर कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। हे ऋतुराज, कैसा भीषण, कैसा दारुण दुख है ये। समझ में नहीं आता कि आपके समाचार पर मैं हर्ष प्रकट करूं या शोक। कामदेव ने अपना बाण चलाकर हम सभी देवताओं का कार्य संपन्न कर दिया और भगवान भोलेनाथ की समाधि तोड़ दी, किंतु किंतु उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। हे कामदेव, ये समस्त देवलोक आपका आभारी रहेगा, सदा आपका आभारी रहेगा। स्वामी, स्वामी, प्राणनाथ, स्वामी, प्राणनाथ, हे शिव, हे शंकर, हे शंभु, हे महादेव, मैं जानती हूँ कि मेरे पति का अपराध क्षमा योग्य नहीं है, किंतु सारा संसार आपको नीलकंठ के नाम से जानता है। सृष्टि की रक्षा के लिए अमृत मंथन से निकला भयानक विष कालकूट आपने सारा का सारा पी लिया। क्या मेरे पति का अपराध उस कालकूट से भी अधिक विषाला था महादेव? देवी, कौन है आप? हे भोलेनाथ, मैं रति हूँ। मैं वो अभागिन हूँ जो कुछ समय पहले सधवा थी, सुहागिन थी, किंतु किंतु अब मेरा सुहाग आपकी क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो गया महादेव। हे महादेव, आपका व्रत करने से, आपका जप करने से और आपकी पूजा करने से तो कुमारी कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है, किंतु किंतु मेरा वर आपने मुझसे छीन लिया महादेव। पति और पत्नी जीवन में एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। इस पीड़ा को आपसे अधिक और कौन जान सकता है महादेव? देवी रति, हे महादेव, मैं आपके चरणों में विनती करती हूँ, या तो आप मुझे मेरा सुहाग लौटा दीजिए, या एक बार और अपने तीसरे नेत्र को कष्ट दीजिए और मुझे भी जलाकर भस्म कर दीजिए। नहीं देवी, ये संभव नहीं। तब देवादी देव, मुझे ये बताइए, मेरे स्वामी ने जो कुछ भी किया उसमें उनका क्या दोष है? देवराज उनके राजा हैं, उन्हें तो ये कार्य करने का आदेश उनके राजा की ओर से मिला था, और उन्होंने तो केवल अपना कर्तव्य पूरा किया है भोलेनाथ। हे महादेव, यदि आपने मेरे पति को जीवित नहीं किया तो लोग राजाज्ञा का पालन करते हुए घबराएंगे। हे देवाधिदेव, सोचिए कैसी भयानक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। कृपा कीजिए भोले शंकर, कृपा कीजिए। आपने मुझे धर्म संकट में डाल दिया है देवी रति। यह सत्य है कि आपके पति ने राजाज्ञा का पालन करके अपने देव होने का प्रमाण दिया। अभी आप जाइए देवी, आपको कुछ काल तो अपने पति की प्रतीक्षा करनी होगी, उसके पश्चात आपको आपके पति मिल जाएंगे, किंतु ये तब होगा जब श्री हरि विष्णु
श्री कृष्ण का अवतार लेंगे और तब तक आपके पति संसार में अनंग रूप में रहेंगे। वे दिखाई तो नहीं देंगे किंतु और अधिक व्यापक हो जाएंगे और अपनी उपस्थिति का आभास सारी सृष्टि को देते रहेंगे। हे प्रभु, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आपने मुझ दुखियारी पर बड़ी कृपा की है प्रभु, बड़ी कृपा की है। मुझे स्थान छोड़कर कहीं और जाना होगा। महाराज तो कह रहे थे ये हीन गिरिराज की पुत्री है, कोई भी संकट इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और फिर मेरी पुत्री तेरी ये दशा। मत कर ऐसी कठिन तपस्या, पुत्री तोड़ दे अपना ध्यान। तेरी माता तुझे इस अवस्था में नहीं देख सकती पुत्री, मुझसे तेरा ये कष्ट नहीं देखा जाएगा। तेरी ये पीड़ा मेरे प्राण हर लेगी पुत्री, पुत्री तोड़ दे अपनी समाधि, नहीं तो मैं यहीं अपने प्राण त्याग दूंगी। देवी, आप कौन हैं? वो सामने जो तपने अपने प्राणों को त्यागने के लिए बैठी है वो मेरी पुत्री है। मैं गिरिराज हिमालय की पत्नी और इस कन्या की माता हूँ। माता, कैलाश पर आपका स्वागत है महारानी, किंतु मैं आपको माता की साधना नहीं भंग करने दूंगा। आपका विलाप मेरे ध्यान को भंग कर सकता है तो मेरी माता की समाधि को भी तोड़ सकता है। तुम माता और पुत्री के बीच आने वाले हो कौन? मैं वीर भद्र हूँ। तुम जो भी हो, इस समय मेरी पुत्री के प्राण संकट में हैं, और मैं उसे बचाने की चेष्टा ना करूं, तुम जाओ यहाँ से। माता, आप मुझे अनुशासन भंग करने के लिए विवश ना करें। देखो, तुम चले जाओ यहाँ से, अन्यथा इस माता का दुखी हृदय तुम्हें श्राप दे देगा। माता के आदेश के पालन के लिए मेरे साथ जो भी होगा मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। मैं फिर कहती हूँ,
इतना हट अच्छा नहीं। महारानी जी, अब बहुत हो चुका, अब जाइए यहाँ। तुम अब नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। ये लो, नहीं नहीं माताश्री, ऐसा मत करना। वीरभद्र मेरा धर्म पुत्र है। माता, ये अति विचित्र संबंध है। मैं एक कन्या हूँ, मेरा विवाह नहीं हुआ, किंतु वीरभद्र को मैं अपने पुत्र के समान मानती हूँ। मेरे ही आदेश पर ये यहाँ है। पुत्री, बस बहुत हो चुका, चल अब मेरे साथ राजमहल लौट चल। नहीं माताश्री, ये संभव नहीं है। पुत्री, वो लोक कल्याण किस कार्य का जो तेरे प्राण हार ले, और वो शिव कैसे जो तुझे इतने कष्ट में देखकर भी तुझ पर प्रसन्न न है। बस माताश्री, बस मेरे देवाधिदेव के विषय में कुछ भी ना कहिए। मैं आपका बड़ा सम्मान करती हूँ, मैं आपकी लाडली पुत्री हूँ, किंतु शिव मेरे आराध्य हैं और उनकी वर रूप में प्राप्त यही मेरा एकमात्र लक्ष्य है। आपने मेरी समाधि तोड़ी, यह अच्छा नहीं किया। वीरभद्र के शाप की आशंका ने मेरा ध्यान तोड़ा है। पुत्री, मैंने कहा ना, तू ये सब सोचना छोड़ दे और मेरे साथ राजमहल लौट चल। नहीं माताश्री, कदाचित आपने अपनी पुत्री का प्रण नहीं सुना। या तो मेरे प्राण आएंगे या ये प्राण जाएंगे। किंतु पुत्री, माताश्री, मेरी आपसे विनती है कि आप जितना अधिक यहाँ रुकेंगे, मेरे मार्ग की बाधाएं उतनी अधिक बढ़ती जाएंगी। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप वापस राजमहल लौट जाइए। ये मेरा अंतिम निर्णय है जो अटल है। पुत्री, माताश्री, माताश्री, मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अब मेरे पास आपको विश्वास दिलाने के लिए केवल मेरे प्राण हैं, और मैं अभी इसी समय उनका त्याग कर सकती हूँ। नहीं नहीं पुत्री, मैं तेरी संकल्प शक्ति से भली भांति परिचित हूँ। मैं यहाँ से जा रही हूँ पुत्री। मैं आपको प्रणाम करती हूँ माताश्री। माताश्री थी, किंतु मैं आपके आदेश के कारण विवश था। नहीं पुत्र वीरभद्र, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। जाओ पुत्र, तुम अब जाकर विश्राम करो। प्रणाम माते। अब जब ध्यान टूट ही गया है तो जाकर अपने देवाधिदेव के दर्शन ही कराती हूँ। जाकर देखो तो सही कि मेरे स्वामी किस अवस्था में है। प्रभु,
स्वामी, स्वामी, प्रभु, प्रभु, हे स्वामी, मुझसे ऐसा क्या अपराध हो गया? हाँ, अपना अपराध नहीं समझ में आ गया। मैं जान गई अपना अपराध। मैं आपकी समाधि तोड़ने के लिए तपस्या कर रही थी, किंतु माता श्री के आ जाने से मैंने अपनी समाधि भंग कर दी। कदाचित इसी कारण रुष्ट हो गए आप मुझसे। आप मुझसे रूठ गए स्वामी। स्वामी, आप मेरे निकट हैं, इसी आश्रय पर बैठी मैं तपस्या कर रही थी, किंतु आप कहाँ चले गए स्वामी? हे भोलेनाथ, हे देवाधिदेव, महादेव, कहाँ हैं आप? कहाँ हैं मेरे प्रभु? कहाँ है प्रभु? प्रभु कहाँ है आप? कहाँ है मेरे प्रभु, मेरे स्वामी? कहाँ चले गए मेरे स्वामी? कहाँ चले गए?
नैन तरस गए हैं। त्रिलोकीनाथ, मैं आपके बिना अनाथ हो गई हूँ। हे आकाश, कहाँ है मेरे देवता? दिशा, तुम ही बताओ कहाँ है मेरे शिव? हे कैलाशपति, मेरी मृत देह को बाहों में उठाए आप। वन, पीहर, नदी, पर्वत पार करते रहे, एक लोक से दूसरे लोक का भ्रमण करते रहे। अब मेरे जीवित शरीर को इन सुनसान शिखरों पर खो जाने के लिए छोड़कर आप कहाँ चले गए? मेरा तो ये जीवन ही व्यर्थ हो गया। शक्ति के जीवन का आधार है शिव। बिना शिव के लिए जीवन किस काम का? हे सुंदरी, क्यों अपना शरीर नष्ट करना चाहती हो? किंतु आप कौन हैं? क्यों बचाए मेरे प्राण? सुंदरी, जीवन मरण तो प्रभु के हाथों में है। आत्महत्या करना पाप है। तुम क्यों ये पाप करना चाहती हो? इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है मेरे पास। कोई तो कारण होगा। कारण है मेरा दुर्भाग्य। मैंने अपने प्रियतम को पाने के लिए घोर तपस्या की, किंतु वो नहीं मिले मुझे, और उनके बिना ये जीवन व्यर्थ है। यदि किसी प्रियतम को पाने के लिए तुमने तपस्विनी का रूप धारण किया है और ऐसी घोर तपस्या करने के पश्चात भी वो तुम्हें नहीं मिला, तो मैं कहूंगा कि तुम्हारा प्रियतम बहुत ही कठोर है, निष्ठुर है, निर्दयी है। कौन है वो व्यक्ति? देवाधिदेव महादेव। महादेव? हाँ, उन्हें को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तप किया है मैंने। तुम सच कह रही हो या प्रयास कर रही हो? ये सत्य है, ऐसी ही आकांक्षा है मेरी। सुंदरी, बड़ी विचित्र हो तुम। यदि तुम्हें तपस्या ही करनी थी तो किसी इंद्र जैसे देवता के लिए करती। बस, कृपया शांत हो जाइए। इसके आगे मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती। मेरे लिए शब्द पिघले हुए शीशे के समान है जिन्हें आपने मेरे कानों में उंडेल दिया है। मैंने सत्य कहा देवी, आपको तो प्रसन्नता होनी चाहिए। चलिए, इंद्र नहीं, कोई और देवता सही। कुबेर सही, वरुण सही, अग्नि सही, ये सब एक प्रतापी देवता है और ये सब आपके सुख। नहीं, अब मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। कृपया आप यहाँ से चले जाइए। नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, कदापि नहीं जाऊंगा। यदि मैं यहाँ से चला गया तो आप आत्महत्या कर बैठेंगी और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। आपके जैसी सुंदर स्त्री बिना विवाह करे संसार से चली जाए, नहीं देवी। आप जानती नहीं देवी, सभी देवताओं तक पहुंचे मेरे। अब संकोच छोड़िए और मुझे बताइए कि पति रूप में आपको कौन सा देवता अच्छा लगता है? महादेव, महादेव, महादेव। उनके दिन हुए, स्वप्न में भी किसी के बारे में नहीं सोचा, किंतु आपने मुझे इतनी पीड़ा दी है कि उसके उत्तर में यदि मैंने आपको दंड नहीं दिया तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। दंड? क्या दंड देवी? यदि मैंने अपने मन, वचन, कर्म सबसे केवल अपने महादेव की आराधना की है तो हे माँ शक्ति, परमेश्वरी, इस पल पर मैं इस अघोरी को श्राप देती हूँ कि। अरे नहीं नहीं देवी, ये आप क्या कर रही हैं? छोड़ दे, छोड़ मेरा हाथ, छोड़ दे, छोड़ दे। देवी, इसी हाथ को पाने के लिए आपने इतनी तपस्या की, इतना कष्ट उठाया, अब यह हाथ आपको मिल गया है और आप इसे छोड़ना चाहते हैं? छोड़ना चाहते हैं।
देवादिदेव, हे शिव शंभु, आप? हाँ जी, मैं। हे स्वामी, हे भोलेनाथ, क्या मेरी इतनी कठिन तपस्या का फल आपका ये परिहास है? ये केवल परिहास नहीं है। इतने दिनों के पश्चात के मिलन की बेला में मैं ये भूल गया था कि आप गौरी हैं या पार्वती, किंतु आज मेरे समक्ष आपके इन दो जन्मों की कड़ी मिलकर एक हो गई। और ही परिहास की बात, वो तो पत्नी के साथ किया ही जाता है। पत्नी? हाँ जी, पत्नी। मैं धन्य हो गई स्वामी। आपने मुझे स्वीकार कर लिया? हाँ जी, मैंने आपको स्वीकार किया।